Hello, good afternoon, my dear children. How are you all? Fine? Very good. I'm also fine. Thank you. Okay. Today I'm going to continue with my story. What was the story name? The Monkey Judge. Remember? I hope you all remember. हाँ, याद है सबको? Book 3, page 44. Remember? No. नहीं याद है किसी को? याद है ना? Yes. Okay. Now I'm going to continue with my story. Okay. But before starting my story, I'm going to explain you the earlier one. Okay, इसके पहले मैंने कौन सा आपको सिखाया था वो मैं आपको वापस से एक बार रीड करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, ठीक है. द मंकी जज, द मंकी जज, माई स्टोरी नेम इज द मंकी जज. अच्छा चिल्ड्रन, लिसन वन थिंग, जब भी आप लोग ओरल देते हो, ओके, जब भी आप लोग ओरल के एग्जाम्स देते हो, वेदर इट इज स्टोरी, पोयम, जो कुछ भी हो, ठीक है, आप कौन से क्लास में हो, आपका नाम क्या है, आपको पहले वो बोलना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रेखा है, तो मैं बोलूंगी माई नेम इज रेखा शिरसवाल. मेरा नाम, पूरा नाम बोलूंगी मैं. ओके, माई नेम इज रेखा संदीप शिरसवाल. आपका नाम जो भी है, आपको वो पूरा नाम बोलना है. आई एम इन सीनियर केजी, जो भी आपका डिवीजन है, और जो सीनियर केजी जिसको डिवीजन नहीं मिला है वो बोलेंगे सीनियर केजी न्यू. ओके, सीनियर केजी न्यू एडमिशन. ओके, यस, आप सभी को याद रखना है. आप लोग जब एग्जाम्स देते हो ना, तो आप लोग सिर्फ स्टोरी पोएम भेज देते हो, आप लोग लिख के भी नहीं भेजते हो कि आप कौन से क्लास में हो, आप लोग कौन से डिवीजन में हो. एटलीस्ट आप लोग अगर क्लास डिवीजन लिखकर भेजोगे तो मुझे मार्क्स देने में आसानी होगी. ओके, और बार बार मुझे पेरेंट्स को कॉल करके बोलना पड़ता है कि पेरेंट्स आप लोग स्टोरी भेजो, ओरल एग्जाम्स दो. क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता, ठीक है. नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कॉल्स नहीं जाएंगे, आप लोगों को डायरेक्टली एग्जाम देना है. आप लोग अगर एग्जाम्स देख लेते हो ग्रुप में कि आप लोगों को सो एंड सो डेट पे एग्जाम्स देना है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एग्जाम. ओके, ठीक है, ठीक है. पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स को ही ध्यान देना है, बच्चों को नहीं देना है, पेरेंट्स को देना है. अगर पेरेंट्स थोड़ा टाइम देंगे बच्चों को, तो वो ओरल एग्जाम भी हो जाएंगी. ओके, ठीक है. क्या होता है ना, पेरेंट्स और टीचर्स है, टीचर्स कितने लोगों को कॉल करेगी. अगर सभी आप लोग वीडियोस नहीं भेजोगे बना के, तो बच्चों के रिटन के मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन ओरल के मार्क्स की वजह से उसका जो रैंक था, सपोज उसका रैंक सेकेंड फर्स्ट लेवल पे है, तो अगर वो ओरल एग्जाम नहीं देता है तो उसका रैंक नीचे गिर जाएगा. इसी वजह से उसे ओरल एग्जाम्स देना बहुत ज़रूरी है. ओके, ठीक है पेरेंट्स, आप लोग प्लीज़ कैसे भी करके ओरल एग्जाम्स दिया करो. जब भी ग्रुप में आ जाए कि आई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ओरल एग्जाम, टाइम टेबल आ गया, तो उसके पहले ही आपको अपना स्टोरी पोएम का वीडियो बना के रख लेना है. ओके, इस चीज का वेट मत करो कि टीचर कॉल करेगी तभी हम वीडियो भेजेंगे, फिर आप लोग दो दिन लोगे, तीन दिन लोगे, चार दिन लोगे, उसके बाद सॉरी टीचर मैं भूल गई, या सॉरी टीचर मैं ऑफिस में थी, मैं एग्जाम नहीं दे पाई, कल दूंगी, परसों दूंगी. ओके, ऐसा नहीं चलता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. खुद को भी और बच्चों को भी तैयार रखो कि वीडियो आप लोग को निकालना है और बच्चों को ओरल एग्जाम्स देना है. जब भी जैसे ही आपके मोबाइल पर आपका मैसेज आ गया कि यू हैव अ ओरल एग्जाम ऑन सो एंड सो डेट, ओके, जब भी डेट आ गया तो आपके उससे इसके एक दिन पहले आपको पोर्शन भी आ जाता है, और एक दो दिन पहले ही आपको टाइम टेबल भी आ जाता है, तो आप लोग उस हिसाब से आप खुद बच्चों को प्रिपेयर कीजिए. चलो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. ओके, माय स्टोरी नेम इज द मंकी जज. व्हाट इज माय स्टोरी नेम? द मंकी जज. टू कैट्स, ब्लैकी एंड व्हाइटी, वर फाइटिंग ओवर अ पीस ऑफ अ केक दे हैड फाउंड. ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. दो कैट्स थी, ब्लैकी और व्हाइटी, वो लोग
फाइट कर रही थी। किस चीज के लिए फाइट कर रही थी? केक के लिए, जो उनको कहीं से पड़ा हुआ मिलता है। ओके, द कैट्स डिवाइडेड द केक इनटू टू एंड ईच गॉट वन पीस। ठीक है, कैट ने क्या किया, वो लोगों ने एक पीस मिला था उसको दो में, एक एक भाग में, दो भाग में डिवाइड कर लिया और दोनों को एक एक पीस मिल गया। योर्स इज बिगर पीस। ठीक है, एक कैट बोलती है योर्स इज बिगर। कौन सी कैट बोलती है? कंप्लेन द वाइटी, जो वाइटी कैट होती है वो बोलती है कि तुम्हारा जो केक का पीस है वो बड़ा है। नो, योर्स इज। दूसरी कैट बोलती है नहीं, तुम्हारा वाला। तो यू गेव मी द स्मॉलर वन, रिप्लाई द ब्लैकी। ब्लैकी क्या बोलती है? नहीं, तुमने तो मुझे छोटा सा पीस दिया था। अ मंकी वॉज पासिंग बाय एंड स्टॉप ऑन हियरिंग देयर क्वारल। ठीक है, मंकी वहां से पास आउट हो रहा था, वहां से गुजर रहा था, उसने ये झगड़ा सुना। ठीक है, वो झगड़ा सुन के रुक गया। वॉट इज द मैटर, वो क्या पूछता है? वॉट इज द मैटर, प्रॉब्लम क्या है? ही आस्क द कैट आज द मंकी टू डिसाइड फॉर देम एंड शेयर द पीस ऑफ अ केक इक्वली बिटवीन देम। दोनों कैट क्या करती है, मंकी को बोलती है कि तुम डिसाइड करो और तुम दोनों में, हम दोनों में केक बराबरी का बांट के दो। ओके, द मंकी अग्री टू बी द जज। मंकी क्या करता है, जज बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है ओके चलेगा, मैं इस केक को दोनों में बराबरी का बांट दूंगा। ठीक है, ही वेट बोथ द पीस। उसने क्या किया, उसका वजन किया, दोनों केक के पीस का क्या किया, उसने वजन किया। दिस वन सीम्स बिगर, उसने एक केक के टुकड़े को देखा और बोला कि ये मुझे बड़ा दिख रहा है। ही सेड द मंकी लुकिंग एट द पीस ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो बोल रहा है कि वो जो पीस है वो मुझे बड़ा दिख रहा है। ओके, लेट मी बाइट सम ऑफ इट एंड मेक इट इक्वल, वो बोल रहा है मुझे ये थोड़ा बाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ इसको, ताकि ये बराबर में हो जाए वजन में। नाउ द पीस इन द राइट हैंड सीम्स बिगर, अभी उसने बोला कि जो मेरे सीधे हाथ, जो मेरे राइट साइड का पीस है वो मुझे अभी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टॉप किया था, अभी इसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। दिस कंटिन्यू टिल ही फिनिश ईटिंग द एंटायर केक एंड नथिंग वॉज लेफ्ट फॉर द कैट्स। ओके, अभी क्या हुआ, ये चीज केक खत्म होने तक चलती गई। पहले तो दोनों के केक बराबरी में थे, उसके बाद उसने क्या किया, वॉट ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड ईटिंग द केक वन बाय वन। ओके, ही वॉज कीप ऑन टेकिंग बाइट ऑफ ईच केक। ठीक है, दोनों भी केक में से उसने क्या करना चालू किया, एक एक बाइट मारना चालू किया, कभी इसका वजन कम हुआ, कभी इसका ज्यादा हुआ, कभी इसका कम, कभी इसका ज्यादा, ऐसे कर करके उसने क्या किया, वो ये चालू रखा, उसने वो केक खाना चालू ही रखा, और वो ये तब तक करता गया जब तक के केक खत्म नहीं हुआ। और दोनों कैट के लिए फाइनली कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, अगर मंकी दोनों भी केक में से यहाँ से खा रहा है, वहां से खा रहा है, यहाँ से खा रहा है, वहां से खा रहा है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो दिस लाइन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। ओके, यू हैव टू बी रेडी। नाउ फोल्ड योर हैंड्स एंड कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, कम ऑन, कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट स्ट्रेट and you have to repeat after me. Okay, my story name is the monkey judge. My story name is the monkey judge. Two cats, Blackie and Whitey, were fighting over a piece of a cake they had found. The cats divided the cake into two and each got one, and each got one piece. Yours is bigger, complained the whitey. No, yours is. You gave me the smaller one, replied the blackie. क्या हुआ, वो बोलती है कि तुमने मुझे छोटा वाला पीस दिया, ब्लैकी बोलती है। ओके, a monkey
monkey was passing by and stopped on hearing their quarrel. What is the matter? He asked. The cat asked the monkey to decide for them and share the piece of a cake equally between them. The monkey agreed to be the judge. He weighed both the pieces. This one seems bigger, said the monkey, looking at the piece on the left. Let me bite some of it and make it equal. Now, the piece in the right hand seems bigger. This continued till he finished eating the entire cake. And nothing was left for the cats. समझा आप लोगों को ये स्टोरी? ये स्टोरी एकदम शॉर्ट में बताती हूँ. दो कैट होती है, एक ब्लैकी होती है और एक व्हाइटी होती है. ठीक है, उन लोगों को एक केक का टुकड़ा मिलता है. वो लोग क्या करती है, दोनों एक के एक टुकड़े में से दो भाग करके मजे में खाती होती है. लेकिन ये खाते खाते उन दोनों को खाने से पहले दोनों एक दूसरे केक देखती है. तो एक कैट बोलती है कि तुम्हारा केक बहुत बड़ा है. तो दूसरी बोलती है नहीं, तुम्हारा केक का पीस बड़ा है, तुमने मुझे छोटा वाला दिया. तो ऐसे ही उनका झगड़ा चलता होता है. तो साइड में से कौन पास होता है? मंकी. ठीक है, उनका ये झगड़ा कौन सुनता है? मंकी. ओके, मंकी सुन के क्या करता है? रुक जाता है और क्या करता है? पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो. तो कैट उसे बोलती है कि हम लोगों का केक दोनों को इक्वली बराबरी में बांट के दो. ठीक है, तो अभी मंकी तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे बिना मेहनत के खाना मिल गया है. तो वो तैयार हो जाता है जज बनने के लिए. ठीक है, तो वो क्या करता है, केक का वेट करता है, मतलब वजन करता है. तो देखता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का केक का टुकड़ा है, उनको बोलता है कैट को, जबकि बराबर रहता है इन दोनों केक. वो बोलता है नहीं, ये ज़्यादा है, तो मैं इसमें से एक बाइट खा लेता हूँ ताकि ये बराबर हो जाए इक्वल. तो वो क्या करता है, उसमें से एक बाइट मारता है. फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोलता है नहीं, अब राइट हैंड साइड का बड़ा लग रहा है, तो राइट हैंड साइड भी बाइट मारता है. तो वो ऐसे ही कर करके पूरा केक ख़त्म कर देता है. वो केक में बाइट मारते रहता है जब तक कि केक ख़त्म नहीं होता. ओके, ही कंटिन्यूसली कीप ऑन ईटिंग द केक टिल ही एंड. ठीक है, वो फिनिश होने तक, वो केक को एंड होने तक वो क्या करता है, खाते ही रहता है. ओके, एंड आफ्टर दैट तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि वो केक ख़त्म नहीं होता, तब तक कि वो बाइट मारते जाता है. फाइनली केक ख़त्म हो जाता है और दोनों कैट्स के लिए कुछ भी नहीं बचता है. ओके, ठीक है, तो इस हैविंग दिस फिल्म द मंकी जंप ठीक है, आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई? यस. इससे आप लोगों को क्या सीख मिली है कि हम लोगों को जो भी मिलता है मम्मा ऑलमोस्ट आप लोगों को बराबर में ही बांट के देती है. फिर भी इसे छोटा उसे बड़ा ऐसा आप लोगों को नहीं बोलना है. ओके, जितना मिला उसमें में आपको खुश रहना चाहिए. ठीक है, नहीं तो हाथ से वो भी चला जाएगा. ओके चिल्ड्रेन, ठीक है, व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू, आप लोगों को ये स्टोरी बाहर करनी है. ओके, पूरा नहीं बाहर कर रहे हो तो
थोड़ा को भी बाहर करना है, ओके। एक पैराग्राफ मुझे आप लोगों कैसे भी आप लोग मुझे बाहर करके दोगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी जब ओरल एग्जाम्स था तभी दिया था मैंने, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को दिया था, अभी आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पोयम करके नहीं दिया मुझे, पेरेंट्स पीछे से डिक्टेट कर रहे थे आप लोगों को, लेकिन आप लोग फिर भी बराबर से नहीं बोल रहे थे और स्लो स्लो बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग मुझे वीडियो बना के दोगे तो आप लोगों को क्या करना है, जोर से बोलना है, ओके, लाउडर बोलना है, ठीक है, ओके। पेरेंट्स नाउ व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू, यू पीपल हैव टू टेक द रीडिंग टेस्ट, ठीक है, रीडिंग टेस्ट लेना है बच्चों का, बच्चों को डेली वन वन लाइन बाय हेड कराइए, ओके। फॉर एग्जांपल, टू कैट्स ब्लैकी एंड वाइटी वर फाइटिंग ओवर अ पीस ऑफ अ केक दे हैड फाउंड, बस इतना रोज पढ़ाइए बच्चों को, खाते समय, नहाते समय, खेलते समय, ये रोज एक लाइन बोलने के लिए बोलिए, तब जाके उसे तीन लाइन तीन दिन में बाहर हो जाएगी, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन बोलिए, द कैट डिवाइडेड द केक इनटू टू एंड ईच गॉट वन पीस, ओके, इतना बोलना है, हाँ, ठीक है पेरेंट्स, ऐसे ही कर करके आपको पूरा पैराग्राफ बाहर कराना है, ओके, ओके। विद दिस आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर माय लेक्चर, पीपल आर गोइंग टू गेट अ लिंक, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू हैव टू स्टैंड स्टिल फॉर द नेशनल सॉन्ग, ओके चिल्ड्रेन, take care, bye bye, have a nice day.